हेलो गाइस, वैसे मैं यहाँ पे कुछ लोगों को देख के नर्वस हो रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। जो पीछे की जो माल बैठी है ना, आइटम्स, उनको देख के मेरी गांठ बढ़ गई है। आगे तो पूछो मत, तो पैसे वाली उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान रखा उसको। एक बार मैं बता दूँ, जो लड़कियाँ हैं तो टॉपिक लड़कियों रखते हैं, लड़कियाँ जो हैं उनको कभी नो जो होता है वो समझ में नहीं आता। एक बार मैं ट्रेन वहाँ जा रहा था मुंबई, तो सफ़र कर रहा था मैं प्लेन से ना, तो मैं प्लेन बैठा था भाई, 45 मिनट रास्ता हो, कुल 45 मिनट रास्ता होती है। उसमें से मैं बैठा था भाई, मैं ऐसे बैठा बैठा था, जितना साइड बैठा था और खिड़की देख रहा था, जैसे ये प्लेन सीट है या खिड़की है बैठा था। तभी एक साइड में लड़की आती है, मुझसे कहती है काई आई कैन चेंज योर सीट। मैं उसे देखता हूँ, फिर बाहर बादल देखता हूँ, फिर उसे देखता हूँ, फिर बादल देखता हूँ। तभी मैंने बोल दिया नहीं, और जब उसने मैंने नहीं बोल दिया तो खड़ी होगी, जो खड़ी होगी सोचती रहती है कि हो क्या रहा है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि मैं सीट नहीं चेंज करूँगा, तो बंदी इतनी सस मतलब इतनी सैड हो जाती, कहती कि क्यों। देखो भाई साफ बात, बादल इंपॉर्टेंट, लड़की तो 45 मिनट में फटनी नहीं, इसलिए लड़की छोड़ो, पहले बादल ध्यान दो। तो लड़की चली जाती है, मैं अपना भाई दो साफ साफ बताऊँ, मैं अपना भाई चंगा बंदा देसी मुंडा, दुनिया जो भी बोले उसका कोई पैसा बतेरा पड़ा अपनी जेब में तेरा पड़ा, जिसको जो आना आने दो, जाना जाना दो, लड़कियाँ तो आती जाती मिलेंगी, उसको क्या वो चली जाएगी ना, तो अपना ध्यान दो। हाँ, टॉपिक था मेरी लड़की। एक बार की बात, मैं जा रहा था बाइक से, अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो और लड़की थी, हाँ नीलम ही नाम था उसका। चलिए, तो वो जा रहा था मैं बाइक से, वो यूँ रोकती है, लिफ्ट, मैं गाड़ी यहाँ पे जाके रोक देता हूँ। मुझसे क्या कहती है, कहती है कि क्या मैं आगे तक मिला छोड़ सकते हो। भाई रात का समय था, चांस अच्छा था, वो बंदी भी खूबसूरत थी, पर मैंने कहा कि नहीं, लड़कियों को तो नहीं, रात के टाइम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब क्या पता कैसी भाई। तभी गाड़ी मैंने आगे बढ़ाई, रोका, मैंने कहा कि अकेली लड़की है, वापस चलते हैं, छोड़ देते हैं। वापस आया मैं, तो खड़ी थी वो, मुझसे कहती है, ऐठन दिखाने लगती है, कहती कि मुझे नहीं जाना। अब मैंने कहा गाड़ी वापस लेके आया हूँ तो चलो छोड़ दे रहा हूँ। बंदी कहती कि नहीं मुझे नहीं जाना, तो मैंने कहा मत जाओ। तभी कोई बात नहीं, उतना मैं छोड़ दिया उसको, वहीं चली गई वहीं, उसको ऑटो मिल गया, टैली कर ली, बाइक इतनी गाड़ी निकलती है कोई पकड़ लिया होगा। भाई लड़कियों को बतेरा भाई, सब लड़कियों को चांस देते हैं, लड़कों को कोई नहीं देता। लड़का क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, किस जगह पे क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लड़का एक बार मानू, मेरा दोस्त मेरे बोलने का बैठा था, मुझसे कहता भाई कोई कुड़ी पटा दो। मैंने कहा ये क्या बात होती यार, है ना, तो मैंने कहा ये क्या बात होती, तो भी वो बंदा कहता है भाई एक बात प्लीज़। मैंने कहा कि ये क्या बात होती यार, मैं तो भी कहा उससे मेरी फ्रेंड, मैंने कहा कि मेरा फ्रेंड्स बात कर लो, तो बात कर ले रही। तो एक बार उसने बुलाया डेट पे, तो कहता है कि डेट पे क्या करोगे, तो उसने डेट पे ऐसी जगह बुलाया जहाँ को बुलाता नहीं, सोचिए कहाँ पर बुलाया होगा, हाँ कब्रिस्तान पे। यकीन नहीं मानेगा ना, कब्रिस्तान में बुलाया उसने। कहता है मैं यहीं पर लेटूंगा। अब वो लड़की शॉक्ड कहती है मारा आया नहीं, कब्रिस्तान पहले बुला लिया। चलिए फिर नेक्स्ट आपके लिए मैं लेके आऊँगा वीडियो, और वॉच एंड वेट, देखते रहिएगा मेरी वीडियो। सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।